पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मालवीय नगर मुरादाबाद वार्ड 60 में देश रतन कत्याल की अध्यक्षता में सभी मालवीय नगर निवासियों ने मिलकर 42 वीर जवानों की शहीदों को याद करके एक दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम किया, जिसमें सभी नागरिकों ने मिलकर सभी वीरों को नमन किया, जिसमें प्रमुख रूप से सनहिल कत्याल, संजय आनंद, कशिश मयूर, राकेश सिक्का, साहिल खान ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। सभा में पुलवामा में की गई जघन्य अपराध की घोर निंदा की गई। पाकिस्तान आतंकवाद के बल पर कब तक अस्तित्व को बनाए रखेगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। ये विचारणीय है कि चोर के साथ चोर की मौसी को सबक देना जरूरी है। चीन की धोखेबाजी और विस्तारवादी नीति दुनिया में समाजवाद को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ है। प्रयास होना चाहिए कि चीन के हाथ से संयुक्त राष्ट्र की बीटो पावर को छीन लिया जाए। सभी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है उसका विरोध सभी ने किया है, साथ ही जो जघन्य अपराध पाकिस्तान के द्वारा किया गया है उस वो भुलाया नहीं जा सकता। आज हमारे क्षेत्र वार्ड 60 के मालवीय नगर में मालवीय नगर के सारे निवासी बड़े आक्रोश में हम सब इकट्ठे होकर पाकिस्तान के विरुद्ध सबने मिलकर एक मीटिंग तो की है, साथ में भारत माता को मजबूत करने के लिए संगठित होकर आज हम सबने दिए जलाए हैं, मोमबत्ती जलाई हैं, और हमारा ये उद्देश्य था जिससे कि हमारे समाज के हमारे शहर के लोग संगठित होकर आने वाले समय में जो कि अब पाकिस्तान का बुरा वक्त आने वाला है उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो हम लोग किसी स्वार्थ में कुछ ना सोचकर ये मन बना लें कि आने वाला समय मुकाबले का है और सब तैयार होकर हमने इसलिए आज ये एक मौके पे सब इकट्ठे हुए हैं और हमने ये श्रद्धांजलि अर्पित करी है अपने वीर जवानों को। बस सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ और आगे इसके आगे जय भारत। पहले तो मैं अपने उन अमर शहीदों को विनम्र से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा जो पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की है उसके लिए वो अब तैयार रहे, उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी। हर तरीके से हम युवा भाई इकट्ठे हैं, भारत की सेना के साथ हैं। अगर कभी भारतीय सेना को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा तैयार हैं, आप हमें बुलाइए, हम जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को अब बख्शा नहीं जाएगा, अपने भाइयों का बदला ज़रूर लिया जाएगा। उन्होंने हमारे 42 भाइयों को मौत के घाट उतारा, हम उनके 420 ना लाएं तो हम भी भारत के युवा नहीं। जय हिंद, जय भारत। आज हम सब वार्ड 60 के नागरिक जो हैं अपने देश के वीर जवानों के ने जो उन्होंने जो अपने प्राणों को बलिदान दिया है उसके लिए जो हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और साथ साथ पाकिस्तान को हमें ये संदेश भी देना चाहते हैं कि कड़ा संदेश कि अब उसके पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है और अब उसके बिल में छुपे हुए जितने भी आतंकवादी हैं और जो मसूद अजहर है, जितने भी हमारे देश के जो दुश्मन हैं वो ये भुलेखे में न रहें कि किसी भी प्रकार से वो छिप जाएंगे या बच जाएंगे। उनके घर से उन्हें चूहों के तरह जब तक नहीं निकाला जाएगा, जब तक भारत के लोग जो है शांत नहीं बैठेंगे, ये भारत के देश की जनता की जो है दिल की आवाज़ है और जो है तब तक बिल्कुल भी वो शांत नहीं बैठेंगे। और मैं मोदी जी का तय दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आतंकवादियों को खुले खुले तौर पर जो है और भारत की जो आर्मी है उसको खुले तौर पर छूट दे दी है, जिससे कि उनका मनोबल सातवें आसमान पे है। बस उन्हें इसी एक इंतजार की जरूरत थी, एक आदेश की जरूरत थी जो कि मोदी जी ने दे दिया है। अब आतंकवादियों अपनी खैर मनाओ और आप जो है किसी भी प्रकार से किसी भी बिल में अपने छुप जाएं लेकिन बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।